माइक रेडी हो चुका है लेकर जाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं अभी पहुँचने वाली हूँ पणजी, और यहाँ पर मेरा बस का जो ट्रैवल है वो ख़त्म होने वाला है और एक नया ही एडवेंचर शुरू होने वाला है बिकॉज अब मैं यहाँ से करूँगी ड्राइविंग। मैंने ऑलरेडी एक मोपेड बुक करके रखी हुई थी जब मैं जब मैं गोवा पहुंचने वाली थी उसके पहले ही, तो वो आई थिंक मेरी बाइक रेडी होगी स्टेशन पर, वहाँ से मैं अपनी बाइक पिक करूँगी एंड मैं निकलूँगी कलंगुट के लिए। गाड़ी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है बट उसके अंदर थोड़ा कुछ काम है, शायद ये लोग टायर चेंज कर रहे हैं या आज ही किसी ने रिटर्न दी है किसी कस्टमर ने, तो ये मुझे ठीक करके रिटर्न दे रहे हैं। अभी एक बात का ध्यान रखो कि जब भी आप बाइक रेंट कर रहे हो यहाँ पर किसी से भी, तो आप ये इस तरीके का वीडियो ज़रूर कैप्चर कर लो कि उसके अंदर कुछ भी इशू है, कोई भी डेंट है, कुछ भी टूटा फूटा है, तो वो उनको बाद में एज अ प्रूफ आप दे सको कि ये ऑलरेडी पहले से ही ख़राब थी तो इसे आपने ख़राब नहीं किया है। ओके, लेकर जाने के लिए इन्होंने जेन्युइनली हमको टायर चेंज करके दिया है बिकॉज उसका टायर ठीक नहीं था, ये हमको बता रहे थे और उन्होंने उनके साइड से चेंज कर दिया है कि हमको आगे कोई इशू ना हो। हेलमेट ये साथ में प्रोवाइड करते हैं फॉर द ड्राइवर, और जब भी आप बाइक ले रहे हो तो चेक कर लो कोई स्क्रैचेस वगैरह कुछ हो तो आप इनको मतलब बाद में बता सकते हो, ये आपको ब्लेम नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए। एंड मेक श्योर इसकी प्लेट येलो हो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप ड्राइव कर रहे हो, पुलिस का कोई इशू ना हो। तो फाइनली मैंने बाइक उनसे ले ली है और निकल रही हूँ कलंगुट के लिए, बट उसके पहले यहाँ पास ही में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से हम पहले पेट्रोल भरेंगे। और कलंगुट पहुँचने से पहले एक और जगह है जो मेरे लिस्ट में है जहाँ पर गोवन टिपिकल ब्रेकफास्ट मिलता है, तो हम वो भी टेस्ट करते हुए चलेंगे। अगर आप पणजी से कलंगुट ट्रैवल कर रहे हो तो याद रखो इस ब्रिज के ऊपर ना जाओ बिकॉज यहाँ पर टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है। अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फाइनली यहाँ पर पहुँच गई हूँ। ये है कैफ़े भोसले जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, गोवा का बहुत ही पुराना कैफ़े है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा और बहुत अफोर्डेबल होता है। इसकी कई सारी ब्रांचेस है, पणजी में भी है। जब हम पणजी जाएंगे दो दिन के बाद में तब वहाँ पर पणजी वाले रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, लेकिन आज यहाँ का ट्राई करते हैं पहले नाश्ता, देखते हैं कैसा है। एम्बियंस तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ओ फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट आ गया, अब इसको ट्राई करते हैं। ये गोवा का टिपिकल ब्रेकफास्ट है, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं बिकॉज भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा है इसीलिए मैंने ये ऐसा स्कार्फ बांध कर रखा हुआ है पूरा ट्रैवलिंग के टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा टैनिंग तो मुझे रिस्क नहीं लेना है। चलो फिर से बैक टू ड्राइविंग। पहुंच गई हूँ अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ पर मैंने अपना रूम बुक किया हुआ है। देखने में तो ये घर बहुत ही प्लीजिंग लग रहा है, रूम टूर भी देखते हैं कैसा है। फटाफट सामान लेके मैं ऊपर जाती हूँ और ये जगह बहुत दूर नहीं है बीच से, कलंगुट और बागा बीच से हार्डली डेढ़ या दो किलोमीटर पर है।
था मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम जो कि मैंने रेंट किया है 2 दिनों के लिए। उसके बाद मैं जाने वाली हूँ पणजी। आज के लिए तो थोड़ी थकन ज़्यादा है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं घूमूंगी, थोड़ा बीच पर जाकर आऊँगी सिर्फ। बाहर देखते हैं लिस्ट में कुछ है आसपास तो वो खाऊंगी, और फिर उसके बाद मोस्टली तो मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा आज। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।